तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी केलेल्या टीकेला शरद पवारांनी उत्तर दिलंय. माजी कृषी मंत्री राहिलेल्या पवारांनी शेतकऱ्यांसाठी काय केलं असा सवाल पंतप्रधान मोदींनी केलेला होता, त्यावर पवारांनी उत्तर दिलंय. 2004 ते 2014 या काळात शेतकऱ्यांसाठी क्रांतिकारक निर्णय घेतले. मोदींनी केलेलं वक्तव्य हे वास्तवावर आधारित नाही आहे. ब्रीफिंग नसतानाही असं बोलण्यासाठी धाडस लागतं ते मोदींनी दाखवलं असा टोला पवारांनी लगावलाय. महाराष्ट्र के एक वरिष्ठ नेता केंद्र सरकार में कई वर्षों तक कृषि मंत्री रहे हैं. वैसे व्यक्तिगत रूप से तो मैं उनका सम्मान भी करता हूं, लेकिन उन्होंने किसान के लिए क्या किया? 7 साल के अपने कार्यकाल में उन्होंने देश अमृत मुनि आर्थो प्लस, ये एक प्रूवन फॉर्मूला है. इसमें मौजूद नोनी फल के गुण और आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां शरीर को जरूरी पोषक तत्व देने के साथ साथ हड्डियों और जोड़ों के घिसने, उनमें होने वाले सूजन और दर्द को रोकने में मदद करता है. दर्द मुक्त जीवन के लिए अमृत नोनी ऑर्थो प्लस. भर के किसानों से सिर्फ ये आंकड़ा याद रखना, 7 साल में देश भर के किसानों से सिर्फ 3.5 लाख करोड़ रुपए का MSP पर अनाज खरीदा, जबकि हमारी सरकार 7 वर्षों में MSP के रूप में इतने ही समय में 13.5 लाख करोड़ रुपए किसानों को दे चुकी है. प्रशासन के लिए बनती है, ठीक है सर. प्रधानमंत्री देशक क्या घटे इस वास्तव शिक्षा समझ होते जे वास्तव्य के लिए त्याच्यावर वास्तविक शिक्षाचं ब्रीफिंग हे खरी गेलेली दिसत नाही, आणि ब्रीफिंग नसताना कसं शिक्षण त्याचं एक धाडस वाटतं. ते धाडस त्यांनी या ठिकाणी दाखवलं, पण ते सत्यावर ते वास्तवावर आधारित नसतं. भंडाऱ्याची उधळण म्हणजे